स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 2 है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी हमारा अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, उसको कैसे मेजर कहते हैं करते हैं, कितना टेम्परेचर हो तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, ये सब बातें छोटी छोटी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर द थर्मोमीटर डेट इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जो यूज होता है बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, यानी जो आपका टेम्परेचर आपका बुखार मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस जो थर्मोमीटर यूज होता है उस थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इंसान के जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यानी वो कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, प्रॉपरली वर्क कर सकता है। आंसर इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अबव और बिलो इट वी कांट वर्क। ह्यूमन की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर से अबव या बिलो हम वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर वर्क करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, डिजिटल थर्मोमीटर मेजर्स द बॉडी टेम्परेचर इलेक्ट्रिकली एंड ईजी टू यूज। बच्चों, डिजिटल थर्मामीटर एडवांस टेक्निक है। ठीक है, इससे ये इजीली बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और इलेक्ट्रिकली मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अगले लेसन की तरफ। थैंक नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसी लेसन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर क्या होता है, आंसर इट हैज क्रिस्टल्स इन इट विच चेंजेस कलर व्हेन दे गेट हॉटर और कोल्डर। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर के अंदर बच्चों क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, जब कोई चीज हॉट या कोल्ड होगी तो ये क्रिस्टल्स अपना कलर चेंज कर लेंगे, तो उसे हम लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर कहते हैं, जिस थर्मामीटर के अंदर क्रिस्टल्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिस्टल्स इन लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर के अंदर क्रिस्टल्स का नाम क्या होता है, दीज क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर आर नोन एज फीवर स्ट्रिप्स। यानी लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स को हम फीवर स्ट्रिप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू योर बॉडी टेम्परेचर व्हेन यू आर इल। जब आप बीमार होते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, क्या होता है आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ। व्हेन वी आर इल जब हम बीमार होते हैं, आर बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब आप बीमार हो गए तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, या इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, यानी माइनस यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा और आप प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे, इसीलिए तो आप इल होते हो।